जी बात हमके शहंशाह बतैले बाड़े ओकरा बात त हमके यकीन हो गेल बा कि जोधा बेगम के जरूर केहू के साथ गुस्ताखी। माफ रुकैया बेगम, रहुआ मलिकाए बेगम बानी, बाबरी शान और आन के निगहबान बानी रहुआ। जोधा बेगम भी आला खानदान से ताल्लुकात रखेनी, रहुआ के उनके खिलाफ ऐसा बात के हवा ना देवे के चाही। बादब बामुलाहिजा होशियार, शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़े। बादशाह सलामत, काबुल से मुनीम खान के गौर पैगाम आइल बा, पढ़ल जाए। शहंशाह के इकबाल बुलंद होके काबुल के तमाम खजाना और जंगे आलात शाही फौज के कब्जा में बा, जे आगरा खातिर रवाना कर चुकल बाड़न। काबुल के राज और मिर्जा हकीम के हाथ में आ चुकल बा, मगर यहाँ मुगल सल्तनत के पक्का बंदोबस्त हो गईला तक खादिम यहाँ रुके के इजाजत चाहता। उनके इजाजत है, हम मुनीम खान के काम से बेहद खुश पानी। हमार बहनोई अबुल मालिक हमरा खिलाफ बगावत के लिए की कोशिश के लिए, और मुनीम खान ओकरा बड़ा ही काबिलियत के साथ दबा दे ले। उनके पैगाम भेजल जाए कि जब तक काबुल में सब कुछ सही सलामत नहीं हो जाए तो ओकरा बावजूद भी वहाँ मौजूद रहे, और उनका लौटा थी उनके नाम के तौर पे हम उनके वजीर आला के औदा दे। मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखला आलम खान, अगर काबुल की जंग हम जितले होती हैं तो हमरा वजीर ना बनावल जात। ओ मुनीम खान जे हमार हुक्म के गुलाम रहे अब वजीर होखी। फिकर मत करी, मुनीम खान हमार ही आदमी है, वजीर आला वो बनी और ताकत हमरा हाथ में होखी। हाँ, अगर अदगा खान के ओहदा मिलल होखर तो हम खुश ना होखती। हम कभी ना चाहे ले कि अदगा खान वजीर आला बने। अब जब मुनीम खान के ओहदा मिल गए बा और वो वजीर आला बन चुकल बा, आगरा के तमाम खजाना और महसूल के बड़ा हिस्सा हमनी के होखी और हमनी के ताकत बढ़ जाए। जोधा एक ही उड़ली, आगरा के सर्दी के मजा लेत बाड़ू जोधा बेगम। प्रणाम सलीमा बेगम। रवा खातिर आगरा के पहला सर्दी है ना, धीरे धीरे रवा के भी आदत हो जाई। ई देखी हम रवा खातिर का लेके आयल बानी, रवा के कढ़ाई बुनाई के शौक बाना। शेख कुतबंद के एगो दोहा पढ़नी, कमाल के ख्याल रहे, रवा कहीं तो हम सुनाई ना। सलीमा बेगम आज मन नहीं खे, बैठी हम आवतनी। लागत हकीम साहिबा के दवा के असर होके लागल बा। का बात है जोधा बेगम, रउआ के मितली हो रहल बा का? ना, बस मन बहुत अशांत है। सलीमा बेगम रउआ बुरा मत मनिया, हमरा और दोहा फिर कबू सुन ले। हम समझ सकेनी जोधा बेगम राहुल दिमाग में का चल रहल बा। राहुल अजीज और राहुल से बड़ होखला के नाते एगो बात कही जी। बुरा वक्त के भी एगो खासियत होखेले कि वो जल्दी बीत जाला। समय तब बीत जाला सलीमा बेगम, परंतु कुछ घाव सदैव खातिर बन जाला। रवा तो जानी ली ही ना शहंशाह हमरे साथ का कहले, अम्मी जान के सामने का कुछ ना कहले वो हमरा के। उनकी दृष्टि में हमार कौनो मान नहीं के। ई नजरिया के ही तो बात है जोधा बेगम, राहुल नजर में शहंशाह रउआ के रुसवा कैले, वही हमार नजर में राहुल इज्जत के हिफाजत कैले। उ ना चाहेले कि केहू भी रउआ के ऊपर उंगली उठावे, यही से वो मल्लिका आजम के सामने ई कबूल कैले कि रउआ साथे रात गुजर ले बाड़े। उ ना चाहेले कि रउआ उनके नजर में गिरी, यही से वो खुद उनके नजर में गिर गयले। जे सवाल राउर मन में बा, वो सवाल उनके मन में भी बा,
कि जब मियाँ बीवी के रिश्ता बनल ही ना तो रउआ हमल से कैसे हो गई नी। और एकरा से भी बड़ बात ई बा कि मरियम मक्कानी हमीदा बेगम के नजर में उरउआ के पाक साफ करार कर देले। अंत कैसन भी होखे सलीमा बेगम, उसे प्रारंभ तो ना बदले लाना, लक्ष्य जे भी होखे परंतु साधन भी ऐसन होखे कि चाहे जोने से केहू के ठेस ना पहुंचे। हम राहुल दर्द समझ सके नी जोधा बेगम, तनी रउआ ही सोची अगर रउआ शहनशाह के जगह होती तो रउआ का करती। हम ईना कहता नी कि राहुल सोच गलत हा, बाकी शहनशाह के भी गलत करार देहल ना जा सकेला। हो सकेला रउआ दोनों ही अपन अपन जगह पर सही होखा, परंतु एक के समय दो लोग सही कैसे हो सकेले सलीमा बेगम। स्थान में एगो कहानी सुन ले बानी जोधा बेगम, हो सकेला रउआ भी सुन ले होखे। पांच दृष्टिहीन लोगन के सामने एगो हाथी लाई गई और पांचों से पूछल गई कि हाथी कैसन दिखेला। एक हाथी के पांव पकड़लस तब कहलस कि हाथी खंभा जैसन दिखेला, तब दूसर ओकर पूछ पकड़ के कहलस कि हाथी तरसी जैसन दिखेला। ए तरह पांचों हाथी के पांच अलग अलग हिस्सा छू के हाथी के पांच अलग अलग तरह से बतैले कि हाथी ऐसन दिखेला, हाथी वैसन दिखेला। ए तरह पांचों सही ना रहले, बाकी पांचों के गलत करार भी ना देहल जा सकेला जोधा बेगम। ता हो सकेला जोधा बेगम रउआ भी सही होगा और शहनशाह भी सही होके। ता हमार मानी रउआ फिकर मत करी, बस वक्त के इंतजार करी और सोच के खुला रखी। रउआ देखब रउआ दोनों के सवाल के जवाब जल्दी ही मिल जाये। सलाम सलीमा बेगम, गुस्ताखी माफ, हकीम साहिबा फौरन रउआ के शिफा खाना में बुलोले बानी। अच्छा जोधा बेगम, हम चलत बानी, आपन ख्याल रखे हा। रवो हमके पैगाम भेजवैनी हकीम साहिबा। आई आई हमके रवो से कुछ जरूरी बात करे की बा। का जरूरी बात करे के बा रवो के? का जोधा बेगम के नीला रंग की उल्टी भइल? ना हकीम साहिबा, अभी तक 4 घंटा पूरा होके में वक्त बा। हम तो बस इंतजार कर रहल बानी कि जल्दी से 4 घंटा पूरा होके और जोधा बेगम पाक साफ निकल जावे। यही बारे में तो हम सोचत रहनी। का सोचत रहनी रउआ? इहे कि जे जोधा बेगम के दवाई खिलैलस जोन से हमल होके के आसार नजर आ रहल बा, उ शख्स आगे भी दवाई खिलावे के कोशिश करी, उ जोधा बेगम के बदनाम करे के चाहत बा। बेशक। और उ शख्स ऐसन करे खातिर ई जड़ी बूटी के खासी खुराक अपना पास रख लेले होके। हर बार जोधा बेगम तक जड़ी बूटी पहुँचाई कैसे? मुश्किल नहीं खे, एक आसानी से घोल के रखल जा सकेला। एकरा के जरा से ही चकले वे तो कुछ घंटा में जी मितलाई उल्टी आईब जैसन आसान नजर आवे लागेला। या खुदा, अब हम समझनी कि हमार जी काहे मितलात रहे। रुकी मोतीबाई, ये दूध रउआ जोधा बेगम खातिर लेके जा रहल बानी ना? जी हाँ, एके हमरा के दी। हम तो जोधा बेगम खातिर जा रहा दूध चकले रहनी, एकर मतलब है जोधा बेगम के खाए पिए के हर चीज में वो दवा घोल के पिलावल जा रहा बा, मगर ऐसन के कर सकेला। वो बुरखा वाली औरत? बुरखा वाली औरत? हाँ हकीम साहिबा, उ दिन हम एगो बुरखा वाली औरत के एक झलक देखले रानी बावर्ची खाना में। हम रोक पे ओकरा पहले ही उलझा से गायब हो गयी, फिर हमके लागल हो सकेला हमार वहम होके। या अल्लाह, उही दिन हम गुनहगार के पकड़ लेती था। हुलिया कैसन रहे? कुछ ज्यादा गौर से तना देख पैनी हम, कुछ आम कद काठी रहे, बस पीर से देखले रहनी हम। पायल पहने रहल वो, काहे कि पायल के आवाज से ही हमार ध्यान ओकरा पे गइल रहे। या खुदा, ई त साजिश है, हमके फौरन जाए के होके। हकीम साहिबा कहाँ? खबरदार करे बावर्ची खाना में कि कोनो भी बाहरी शख्स वहीजे दाखिल ना होके पावे। खुदा हाफिज। वो शख्स जरूर आगरा से बाहर के इलाका से दवाई मंगवाईले होगी, कहे कि 3-4 दवाई मिलेला से ही ये दवा बने ले, और उनमें से तो कुछ आगरा में पावल ही ना जाला। तो सवाल ही बा कि वो शख्स के बा जे जोधा बेगम के बदनाम करे चाहत बा। या अल्लाह, गजब हो गई, ये दवा तो बिखर गई, अब का होगी? हमें हर हाल में लंबा वक्त तक ई दवा जोधा बेगम के देवे के बा, ई काम कोनो भी हालत में अधूरा ना रह सकत।
एक शख्स बाद जे हमारी काम में मदद कर सकेला। हकीमा साहिबा, अलग अलग बहाना से चारों चीज ले लेब हम और उनके मिला के फिर से ये दवा बना लेब। ए तरह हमार काम भी हो जाई और हकीमा साहिबा के शक भी ना होगी। तकलिया एकरा तराजू में छोड़ा ही नहीं। एक तराजू में बहुत चीज तौलल जा सकेला जोधा बेगम, लेकिन कुछ चीज ना। हमके राउर कोनो भी बात पे विश्वास नहीं थे। ना सही, हम यहाँ आपके कोनो बात की यकीन दिलावे ना आयल बानी और ना ही कोनो सफाई देवे आयल बानी जोधा बेगम। हम बस आपके ही बतावे आयल बानी के वो शहिंशाह अपन तराजू में सिर्फ इंसाफ तौले ना, केहू के दिहल तोहफा ना। यदि रवा के लागता ये अंगूठी लौटा के रवा हमारे दृष्टि में महान बन जाए तो ये भ्रम के अपन मन से निकाल दिया, कहे कि रवा झूठ बोलने बानी की सच दोनों ही दृष्टि में हमार आत्मा के कष्ट पहुंचाला, हमार मान के ठेस पहुंचाला। हम फिर आपसे कहब जोधा बेगम कि हम यहाँ आपसे बहस करे ना आयल बानी, हम तो बस एकरा के लौटावे आयल रहनी। हमके एकर कोनो आवश्यकता नहीं थे। फिर हम आपके याद दिलाए कि तोहफा मुगल सल्तनत के बेगम के मल्लिका आजम खास तौर पे देने पड़े, कम से कम उनकर इज्जत रखी। आपकी पसंद नहीं थे ना सही, आपके एकर जरूरत नहीं थे कोनो बात ना, एकरा फिर भी रखल आपके फर्ज हा और हम अच्छा तरह से जाने ली कि आप अपन फर्ज बखूबी निभावे ली। और जब तक आप आगरा में हो खब ये अंगूठी आपके ही अमानत हो। काश हम आपके बता पाती जोधा बेगम की वक्त हमरा दिल में काबा, काश आप पे हकीम साहिबा के दवा के जल्द से जल्द असर होखे और हमके तसल्ली हो जाए कि आप पाक साफ पाई, फिर हम असल गुनाहगार के जिंदा ना छोड़ा। न जाने अब कौन से कुटिल चाल चल रहल बा इनके मन में। कहना सकेले, लेकिन आपके इतना जरूर बतावे चाहता नहीं कि अगर आप सच्चा बानी तो झूठा हम भी नहीं की। मलिकाए आजम जोधा खातिर जश्न के ऐलान कैले बानी। सब खान समा एक बात के ख्याल रखी, बेहतरीन से बेहतरीन पकवान बने की चाही और शहंशाह के पसंदीदा गुलाब पाक जरूर बनी। एक और गाढ़ा बनाई, सारा काम रोक दे हिल जाए। आपसे बावर्ची खाना के हर काम हमार नजर से होके गुजरी। का बात बा बेगम सलीमा, कोनो परेशानी? रहीम के खाना के लेके केहू गुस्ताख ही कैले बा ना महामंगा? हम बस इतने चाहता नहीं कि जोधा बेगम खातिर जे भी बनी ओके ना खाली हम चखी बल्कि हमार नजर के सामने बनावल जाए। मुआफ करी हा बेगम सलीमा, ऐसन का बात बा बेगम जोधा के खाना में? गुस्ताखी माफ महामंगा, रवा वजीर आलिया बानी शहंशाह के अम्मी जान भी, बाकी हम रवा के खाली इतने ही बता सके नी कि हम जे भी कर रहा बानी वो हमार शोहर ई सल्तनत के शहंशाह के सलामती खातिर कर रहा बानी। आखिर ऐसन का बात बा जे बेगम सलीमा हमसे छिपा रहल बानी? रउआ के हमार बात पे बुरा तना लागल भामंगा? ना बिल्कुल ना बेगम सलीमा, शहंशाह के बेहतरी खातिर रउआ जे भी करब ओमे हम रउआ के साथ दे। आज से और अभी से शाही बावर्ची खाना बेगम सलीमा के निगहबानी में होखी। इजाजत दी। एक बात और, एजे उहे आ जा पाए जेके तैनाती मिलल होखे, एकरे अलावा कोनो भी शख्स यहाँ ना आ पावे और ना मौजूद रहे। जे हुकुम। वो औरत बहुत ही शातिर लागत या। वजीर आलिया, इतना गौर से बावर्ची खाना में का देख रहल बानी रहुआ? मुगल सल्तनत के वजीरे आलिया बानी हम, जहाँ गड़बड़ होखे वहाँ नजर रखब लाजमी बा। कैसन गड़बड़ हुजूर? रेशम को समझ में ना रहल बा, सलीमा बेगम हमसे का छिपा रहल बानी, जलाल हमके कुछ बता ना रहल, हम जियारत करे खातिर चल का गए, सब कुछ उल्टा हो गए। लीजा हम कुछ समझ नहीं ना हुजूर। रेशम, जलाल जब जानेला कि बेगम जोधा के कोख में जे बच्चा पल रहल बा
वो केहू और के बात मलिका आजम के सामने झूठ काहे बोल ले कि वो बच्चा उनकर बा। बेशक जलाल बेगम चौधा के आगरा में रोक के रखे के कोनो बहाना तना ढूंढ रहल बाड़े, फिर काहे? और वहाँ पे सलीमा बेगम वो शाही बावर्ची खाना के अपन निगहबानी में ले बाड़ी, बेगम चौधा के खाना पे नजर रख ले बाड़ी, का बात भइल होगी? जलाल हमसे छुपा रहल बा, सलीमा बेगम ऐसन काहे कर रहल बानी? कुछ तो गड़बड़ बा। आ जाएं। आदाब हकीम साहिबा, रउआ से एगो जरूरी काम रहे। रउआ दूपल बैठे हम करीने से दवा लगा रहल बानी, वैसे का काम रहे? तबियत खराब बा? दरअसल हम दवा के बारे में काफी मालूमात रखे नी, हमार दवा खातिर कुछ चीज खत्म हो गई रहे और वो चीज हम रउआ से लेवे चाहत रहे। कौन कौन से? वो चार चीज बा, केला के पुराना अर्क, ककून के चूरन, कसूरा के सिद औले और लौह भस्म। गुस्ताखी माफ होके मोहतरमा, देखी दवा देहब हमार काम बा, बाकी ई जानल जरूरी बा कि रउआ के चार जड़ी बूटी काहे खातिर चाहिए। हमरा हाथ से दवाई छीने के कोशिश ये बता रहल बा कि रउआ गुस्ताख बानी मोहतरमा, एक औरत के सामने बुरखा पहने रख कभी जता रहल बिया कि कोनो राज बा जे रउआ हमसे छिपा रहल बानी, और ये दवाई से ज्यादा हमरा खातिर ही जानल जरूरी बा कि रउआ बानी के। सलीमा बेगम कहाँ बानी? अभी अभी तो एजी रानी, अब कहाँ हो के ना पता। एगो काम कर, उनके खबर भेजवा दी कि हमके फौरन उनसे मिले के बाद हम शिफा खाना में उनके इंतजार करब। जी। कैसन तबियत बार जोधा बेगम सा? जोधा बेगम सा? इरवा का बोल रहल बानी जाविदा भाभी? इला आगरा आते ही रवा खुद के जुबान भूल गयी, हम तो अभी तक आमेर के जुबान न भुला पायल बानी, जैसे कि ई बानी मोती सा, हमार सास बानी माँ हम सा, हम बानी भाभी सा, और रउआ बानी बेगम सा, और राउर कोख में जेबा वो बाड़े मुगल शहजादा सा। जावेदा भाभी, रउआ जब भी आवेनी मन प्रफुल्लित कर देवेनी। अब राउर जबान ना हम इतना भी न सीख पहले बानी, हमके समझ ना आयल रउआ का कहनी, बाकी रउआ जे भी कहनी अच्छा लागल। रउआ अच्छा बानी ना तो राउर सब बात अच्छा लागेला। दासी सा, इनके खूब बादाम पिस्ता खिलावल करी हमार जोधा बेगम सा के। प्रणाम सलीमा बेगम, आई बैठी। सुन ली रउआ, जावेदा भाभी सा अभी का बोलत रहनी, जब भी आवेनी हंसा जावेनी। आह, का भइल जोधा बेगम, का भइल जोधा? चार घंटा बाद अगर जोधा बेगम नीला रंग के उल्टी कईनी तो समझ ली कि जोधा बेगम पेट से ना बानी। इला जोधा, पानी पिया, पानी पिया। हकीम साहिबा के बात सच निकलल, जोधा बेगम नीला रंग के उल्टी कैले बानी, एकर मतलब जोधा बेगम पेट से नहीं की। कहाँ गए लू हकीम? यही तो होके के चाहत रहे ओकरा के। जाई कहाँ? एजे कहीं होखी। रुका, वो दरवाजा बंद करा, कहीं वहां से भाग ना जाए। रणथम मेवाड़ मावात और बूंदी, हमनी के ही सब पे एक एक करके कब्जा करे के पड़ी ताकि हमके ढकान जाए के रास्ता मिल सके। अगर हमनी के मुगल सल्तनत के जड़ हिंदुस्तान पे पेवस्त करे के बा तो हमनी के सभी राजवंशी इलाका पे कब्जा करे के पड़ी, फिर चाहे दोस्ती से होके या फिर शमशीर से। ये वक्त बीतत काहे नहीं कि हमके मालूम करे के बाकी जोधा बेगम पे हकीम साहिबा के दवा के असर भइल की ना।
शहंशाह के एक बाल बुलंद होके बेगम सलीमा सुल्तान आपसे फौरन मुलाकात के इजाजत चाहता रही। उनकी इजाजत हो तकलिया। अदगा साहब, हमारी इजाजत के बगैर के वो अंदर ना आवे पाए। जी हुजूर। कहीं सलीमा बेगम बताई का खबर बका हकीम साहिबा के दवा के असर जोधा बेगम पे भई? हकीम साहिबा के बाद सही निकला शहंशाह। जोधा बेगम नीला रंग के उल्टी कई नहीं। वो पाक साफ बानी शहंशाह, वो पेट से ना भिया। सच कहनी आप सलीमा बेगम, कबो कबो हकीकत केहू के सोच से ज्यादा हैरत अंगेज होखेला हमनी के सोच से परे। हम शुक्रगुजार बानी आपके, आप इतना पेचीदा मुद्दा पे बेहतरीन मशवरा देनी हमारे साथ देनी। हकीम साहिबा भी अपन तरफ से पूरा कोशिश कहनी आप ई हमरा तरफ से उनके नजर कर दिया। हमके ई पता लगावे के बा कि के हमरा साथे इतना घिनौना खेल खेलस, के जोधा बेगम के साथे इतना बेहुदा मजाक कैलस। शहंशाह के हकीमा के आदाब, वक्त ज्यादा नहीं के शहंशाह, हमार जान खतरा में भिया। ऐसे हम मरे से पहले रउआ के बतावे चाहता नहीं कि जोधा बेगम के जे शख्स जड़ी बूटी के अर्थ दे रहल बा, वो दरअसल एगो बुरका नशी औरत बिया। मिलल, अगर आज वो हकीम साहिबा के बिना खत्म के लिए गई नहीं तो हमनी के खेल खत्म समझा। हम ओकर चेहरा तो ना देख पाई नहीं, मगर ओकरा हाथ में हरा रंग के कड़ा और पीर के धागा बंडल देखनी हम, और पैर में खनके वाला पायल। वो देखा वे भी आओ। हकीम साहिबा, कहाँ बानी रहुआ? देखी शहंशाह राउर काबिलियत से खुश होके ई मोती के हार भेजले बड़े। या अल्लाह, या हमर खुदा, इतना बड़ा साजिश। मगर शहंशाह, अगर जोधा बेगम मां नहीं बने वाली तो फिर जश्न काहे नहीं क्यों कदर हुआ? काहे कि हम उकरा खबरदार ना करे चाहत नहीं। अदका साहब, अदका साहब, हम उकरा सामने लावे चाहत बानी जितना बड़ हिमाकत के लेके कोशिश कैलस। रउआ वजह फरमा रहल बानी हुजूर, अगर हमनी के कड़ा रुख ना अपनाई तो ई साजिश दिन ब दिन बढ़त चल जाई। और हमके खुशी बा कि हकीम साहिबा के नुक्स काम आयल और जोधा बेगम पाक साफ निकलनी, ओकर दामन पाक साफ निकल। और हम शहंशाह का भाई सलीमा बेगम, आप इतना बदहवास कहे बानी? शहंशाह वो हकीम साहिबा उनके का भाई उनके उनकर कत्ल हो गई बा शहंशाह। हम राउर देहल नजराना उनके देवे ही जात रहनी कि उनके देखनी शिफा खाना में वो बेजान पड़ल बानी शहंशाह। बहुत बेरहमी से कत्ल भइल बा हुजूर, जे जिंदगी भर दूसर के जान बचावत रहली उनकर जान इतना दरिंदगी से लिहल गई। जे भी दरिंदगी दिखाईले बाद का साहब, ओकर सजा सिर्फ मौत है। इनकर लाश के खुफिया रास्ता से ले जाइल जाए और इज्जत के साथ दफनावल जाए और इनके परिवार के परवरिश मुकम्मल तौर पे कैल जाए। आखिरकार महल में इतना सिपाही तैनात होके के बावजूद केहू इतना संगीन वारदात कैसे कर गई, ई बात के सफाई चाहिए हमरा के। हम जाने चाहता नहीं कि वो के हा
और वो कोना मकसद से ऐसन कैलस। हकीम साहिबा के हाथ में मिट्टी का है लगल बा, मिट्टी के काका ले जाए इनकरा के। रउआ हकीम साहिबा के इतना गौर से काहे दिख ले शहंशाह? बताओ बतानी। हकीम साहिबा के उंगली में मिट्टी लागल रहे, शिफा खाने में मिट्टी के का काम? हमके शक रहे पर हमार शक अब यकीन में बदल गई बा। शायद उनके अपन कतल के अंदेशा रहे, ई खातिर उस सुराग छोड़ ले पाड़ी। पढ़ के बताई। शहंशाह के हकीमा के आदाब, वक्त ज्यादा नहीं खे शहंशाह, हमार जान खतरा में बा। यही से हम मरे से पहले रउआ के बतावे चाहता नहीं कि जोधा बेगम के जे शख्स जड़ी बूटी के अर्क दे रहल बा, उ दरअसल एगो बुरखा नशी औरत बिया और यही महल से बिया। शायद ओकरा पास दवा खत्म हो गयल रहे, यह जे वो हमरा पास लेवे आयल रहे। हम ओकर चेहरा त ना देख पैनी, मगर ओकरा हाथ में हरा रंग के कड़ा और पीर के धागा बंधल बा, और पैर में खनके वाला पायल। उहे बिया जे जोधा बेगम के ऐसन दवा देलस जौने से राव रिश्ता खराब हो जावे। ई बात हम सलीमा सुल्तान बेगम तक पहुंचावे चाहत रहनी। उहे बिया शहंशाह जेकरा के हम बावर्ची खाना में देखले रहनी। हम ओके चेहरा से तना देख पेले रहनी, लेकिन हाँ हम ओकरा पीठ से देखले रहनी, और उ वक्त भी वो पायल पहनले रहे। ओकरा पायल की वजह से हमार ध्यान ओकरा उड़ गयल रहे। ई उहे औरत हो सकेले। अभी तो समझ में आ गयल कि हकीम साहिबा के कत्ल काहे भाई। वो बुरका नशी औरत जी जोधा बेगम के अर्क देत रहली, उहे उनकर कत्ल कैले बाड़ी। शायद वो हकीम साहिबा के नजर में आ गयल रहली और वो ना चाहत रहली कि हकीम साहिबा ई बात हम तक पहुँचाए। मगर वाह वाह, हकीम साहिबा मरत मरत भी अपन वफादारी निभा गई, हमके सुराग दे गई, हमके औरत के पहचान दे गई। ऐसे ही बात तो साफ हो गई कि सिपाही लोग के नजर में आयल बगैर कत्ल के अंजाम कैसे दिहल गई। कहे कि वो शख्स यही महल में बा, जे चाहेला कि हमार जोधा बेगम के रिश्ता के बीच में दूरी पैदा हो गई, जे चाहेला कि हम जोधा बेगम के जिनाहकार मान के उनका कत्ल कर दे, या फिर अपन रुसवाई से आगरा छोड़ दे। हमने के होशियार रहे के पड़ी सलीमा बेगम, हमने के औरत के पता लगावे के बाद जेके हाथ में हरा कड़ावा जेकरा पीर के धागा बनल बा, हम ना चाहेली कि ओकरा शक होके कि हमके ओकर पहचान के मालूमात हो गइल बा। ख्याल रहे यहाँ जौन भइल, न तू देखला न तू सुनला। जी वजीर साहब। हुजूर अगर रहुआ कहीं तो आज के जशन जशन बादस्तूर हो अदगा साहब, हम ना चाहेली कि गुनाहगार के शक होके हमके ओकर पहचान के बारे में मालूमात हो गइल बा। जशन में सब केहू हई है, तई सब लोग के बीच उकर पहचान के वजह से उकरा ढूंढे में आसानी हुई। जोधा बेगम पेट से नहीं खी खातिर जशन के कोनो मतलब नहीं खे, लेकिन अगर हमने के वो गुनाहगार तक पहुंचे के बाद हमने के वो जशन में शामिल होके के पड़ी। राव हुक्म के तामील भेल हुजूर, हकीमा साहब के कत्ल कर दिल गई बा, मगर उनके लाश के ठिकाने लगाए मुश्किल रहे, सिपाहियन से देखल जाए के डर रहे। हाँ, केहू के पता ना चलल होखी और पता चले के भी ना चाहिए, बस आज जश्न तक के बाद बा।
जश्न में वो औरत अपन काम कर दही और फिर फिक्र खत्म। जा सुन ले नहीं रहुआ मिजान, मनीब खान काबुल से अबू मलिक के खदेड़ दे लेबा। तय में रहुआ काहे खुश हो रहल बानी? कहे के जलाल तय कह लेबा कि मनीब खान के वजीर बना देहल जाए। अब हमार दोनों हाथ में ताकत होखी अम्मी जान। जान सके नहीं कैसे? कारोबार और हिफाजत के इंतजामात करे वाला वजीर बहादुर खान राउर हाथ के कठपुतली है और मुनीम खान हमार प्यादा। अब हमने के ताकत बे इंतहा बढ़ जाए। वो सब तो ठीक बात हम, पर एक बात हमरा समझ में ना आ रहल बा। जलाल हर एक के तरक्की तो दे रहल बा, बाकी जलाल के सबसे करीब अगर के हुआ तो वो बा अदगा खान। हमके डर बा कि जलाल अदगा खान के वजीर आला के ओहदा ना दे दे। हमरा पे यकीन रखिए अम्मी जान, हम अदगा खान के कबो वजीर आला ना बने दे। और हम चाहे नहीं भी ना कि अदगा खान के इतना बड़ा ओहदा मिले। अदहम समझदार आदमी ऊ हो खेला जे तूफान आवे से पहले अपन नाव ठीक कर लेवे। खुदा ना खास्ता अगर जलाल अदगा खान के वजीर आला के ओहदा दे देवे के फैसला ले ही लेलस, तो हमने के आज तय करे के चाहिए कि हमने वो वक्त का करल जाए। अदगा खान के बारे में हमने बाद में सोचल जाए, बाकी ये बताएं कि मुगल सल्तनत के होखे वाला वारिस के बारे में रहुआ का सोच ले। अब वो मुगल सल्तनत के वारिस होखी या ला वारिस होखी ये तो वो बच्चा के शकल देखला के बाद ही पता चली। अदहम मतलब ही कि महल में पहला बार ऐसा हो रहा बा अदहम जो हमने के मालूम और हमरा समझ के बाहर बा। ये तो अम्मी जान ऐसा ना हो सकेला कि हरम में हो रहा बात जलाल तक ना पहुँचे। वो है तो जलाल सारा बात जाने ले बेगम जोधा के साथ। जलाल के यही बारे में तकरार भी हो चुकल बा, लेकिन फिर भी वो एक जश्न में बाप बने के खुशी जाहिर कर रहा बारे सबके सामने। समझ में ना आ रहा बा काहे? समझे के का बा अम्मी जान, राउर चहेता जलाल जोधा बेगम के प्यार में अंधा हो चुकल बा। ओकर आँख के सामने पर्दा पड़ चुकल बा अम्मी जान, वो जोधा बेगम के जिनाकारी के नजरअंदाज कर रहल बा। बकरा के मक कब तक खैर मनाई अदहम, एक न एक दिनी पर्दा उठी जरूर और तब जे तमाशा होखी। हम रउआ के यकीन दिला रहल बानी वो तमाशा देखे में हमके और रउआ के बहुत मजा आई। फिलहाल को काम करल जाए, ये झूठा जश्न के तमाशा देखी चलल जाए। चली आई तोहरा के लागता कि वो ऐसा ही करियन? हमसे बेहतर रुकैया बेगम के और के जान सकेला रेशम खान। जब भी कोनो खास जश्न होखे और ओकरा में उनकर पूछ ना होखे तो झट से बीमार हो जाली। कबो बुखार कुछ और ऐसा बहाना बनैहन तक का केहू के खबर ना होखे। तू रुकैया बेगम के अदाकारी से वाकिफ नहीं क्यों रेशम खान? उनकर बदन तपे लगेला और बड़ा से बड़ा हकीम भी ये नहीं की बता सकत कि उनकर तबीयत दुरुस्त बा। होशियार सुनो अब देखिए तमाशा। हुकुम हुजूर। जश्न खातिर हमार लिबास तैयार है? हाँ तैयार बा। दिखावा हमके। जी हुजूर। ई लिही हुजूर। ई पहना भा? तोहर दिमाग खराब हो गेल बा। बेशक ना मलिका, हमरा पता बा कि आप जश्न में ना जाइब। आपके माथा झुक के तापली। आप पर औकात मत भूला होशियार और जाके हमरा खातिर बेहतरीन लिबास तैयार करा, हम खुद उमे से चुनब। आज चाह के भी हमार तबीयत नासाज ना होगी, कहे कि हम जलाल के बेग में खास बानी और ई जश्न हमार जलाल खातिर हा। और जे रश्म हमके निभावे के बा वो हम ही निभाई। जी भर के सजब आज हम आपन जलाल के जश्न खातिर। अगर हम ये जाने चाहता नहीं कि जोधा बेगम हमरा से पहले आमेर में केहू के साथ रिश्ता ना बनेले बाड़ी तो हमें हर्ज का बा। हमरा पास ही कोनो सबूत तो नहीं कि जैसे ही पता चले कि केहू के साथ रिश्ता बनेले बाड़ी कि ना। हम आपके यहाँ कोनो बात के यकीन दिलावे ना आयल बानी और ना ही कोनो बात पे सफाई देवे आयल बानी। हम तो बस आपके ही बतावे आयल बानी कि एगो शहिनशाह अपन तराजू में सिर्फ इंसाफ तो लेला केहू के दिहल तौफ आना। का भइल जोधा, मन फिर से विचलित हो रहल बा?
मिथली आ रहल बा? हाँ मोती, मन बहुत विचलित हो रहल बा। ई उत्सव और समारोह में भाग लेवे के बिल्कुल भी मन ना कर रहा। जे भाई लोग भूल जाए जोधा, तू बस इतने सोचा कि तू मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी के जन्म देवे जा रहल बाड़ू। जोधा बेगम शहंशाह रउआ से मिले खातिर तशरीफ ला रहल बारे। चलो फिर से अगले घाव पे नमक छिड़के हमार भांग भैल मान के और अपमानित करे। हमके खुशी बा कि आपके दामन पाक साफ निकलल बा जोधा बेगम, मगर माफ करिया, हम अभी आपके इना बता सकेली कि आप माँ ना बने वाला बड़े, कि हम मजबूर बानी कि हम ही वक्त आपकी हकीकत बयान ना कर सकेली। आई जोधा बेगम, हम आपके जश्न खातिर ले जाए आयल बानी। हमके खुशी भईली देख के कि आप अंगूठी पहन के इज्जत अता फरमाई। ई अंगूठी हम राउर प्रसन्नता खातिर ना पहन लिया, बल्कि ई खातिर पहन लिया ताकि अम्मी जान के बुरा ना लगे। सच कहीं तो मनी मन हम व्यथित बानी की राउर नाम की अंगूठी हमके पहनी काहे पड़ रहे बा। ई उत्सव में सम्मिलित ही काहे होके के पड़ रहे बा, जेकरा हमार बिल्कुल भी मन नहीं थे। सब कुछ विवश होके करे के पड़ रहे बा हमके। हम भी मजबूर बानी जोधा बेगम की हमके ई सब करे के पड़ता, मगर का करें बेगम बानी आप हमार। अगर आपकी शिकायत खत्म हो गई हुए तो चलल जाए। आई एगो बात हम रउआ के स्पष्ट कह देवे चाहता नहीं। ये बच्चा के जन्म के पश्चात ओके रउआ के सौंप के हम अहिजा से चल जाएं। हम कैसे बताएं जोधा बेगम कि ऐसा ना होखे कि आप माँ ना बनब। रउआ इसे घूर के ना देखी हमरा के, इन निर्दोष बालक के हम कोनो हानि ना पहुंचावे चाहता नहीं। बाकी ए बात के खातिर हम अपना मन बना ले बनी कि ए बच्चा के जन्म के बाद हम आगरा छोड़ दे, चाहे ओकरा खातिर रउआ हमके मार ही काहे ना डाला। सलीम, हम तय कर लेले बानी कि अगर हमनी के लड़का भइल तो हम ओकर नाम सलीम रखब, पेरे मुशीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे, और अगर कहूं लड़की भइल तो ओकर नाम खनम सुल्तान रखब। आदाब अम्मी जान, सुभान अल्लाह रुकैया बेगम, आज तब बला के खूबसूरत लग रहल बानी रहुआ। शुक्रिया अम्मी जान। कैसे बताई रहुआ के अम्मी जान, अंदर के तकलीफ चेहरा पे झलक न जाए, यही खातिर कई बार चेहरा की ज्यादा सजावे के पड़ेला। कितना प्रसन्न बानी न रहुआ, और कहे ना हो पिता बने के स्वप्न जे पूरा हो गए, लेकिन एकर मूल्य हम के चुकावे के पड़े अपन अस्मिता से। कैसे बताएं जोधा बेगम कि ई बार भी हमारी ख्वाब पूरा ना होई, कैसे बताएं कि बच्चा लोग के नाम हम तब सोच ले रहनी जब रुकैया बेगम माँ बने वाला रहली। हमके अफसोस बा कि ई नाम फिर से हमरा मन में ही रह जाई, मगर दुनिया के सामने हमके खुश रहे के पड़ी, जश्न मनावे के पड़ी कि हम वालिद बने जाता नहीं। सुना। आदाब। के बाड़ो तू? हमार अम्मी जान ई महल के बांदी बाड़ी, हुकुम करी। हमरा खातिर शरबत लेके आवा। जी हुजूर। शुक्रिया।
चले शुक्रबा, खुदा शहंशाह के ख्वाहिश पूरा कर देले। तोहरा के का लागता, आवे वाला बच्चा जोधा बेगम जैसन होखी या शहंशाह जैसन होखी? हमके लागता शहंशाह जैसन ही होखी। अब तो वक्त ही बताए कि बच्चा कैसन दिखेला, बेगम जोधा जैसन या फिर आपन असली वाली जैसन, जिकन नाम ना अभी शहंशाह जाने ले और ना ही हम। कहीं ऐसा था ना कि रावरी व्यवहार के कारण रवा के मन में अपराध बोध जाग गए होके? हरगिज ना। हमरा खातिर बड़ बात ई बा कि हम वालिद बने वाला बानी और हमके कोनो फर्क ना पड़ेला कि आप हमरा बारे में का सोचे ली। रवा मनुष्य है ना बानी ना, इतना दिन तक यदि पशुवन के साथ भी रह जाए तो उनके मन में प्रेम और ममता जाग जाले, परंतु रवा के अंदर तो लेश मात्र भी ना। रवा खाली एगो निरंकुश सम्राट बानी, जेकरा अपन राज सिंहासन खातिर उत्तराधिकारी चाही बस, चाहे ओकरा खातिर अपन वचन तोड़े के पड़े, केहू के मान भंग करे के पड़े या केहू के इच्छा के विरुद्ध ओकरे साथ। एक बात और बता देता नहीं आपके जोधा बेगम, जौन कुछ भी भइलो आपके मर्जी के खिलाफ ना भइलो में आपके मर्जी शामिल रहे। अगर आपके याद हुई तो वो रात, माफ करी वो सर्द कपकपात रात, हमार आपके पास आयल, हमार नजदीकी और हमार छुवन आपके पसंद आयल रहे। आप भले ही कहेले कि आपके हमसे नफरत बा, लेकिन ऊ रात आप ही हमके अपना पास बुले ले रहले। ई झूठ है। कमाल बा जोधा बेगम, आपके ऊ रात के हिसाब नहीं के, और जब हम आपके हिसाब लेतानी तो आप ओकरा कबूल नहीं के करत। सच कहीं तो आप ही हमके अपना आगोश में ले रहनी, हमसे मोहब्बत कई ले रहनी। ई झूठ है, झूठा झूठा झूठा। रवा के कोनो भी बात पे हमके विश्वास नहीं है।